उसे आज तक नहीं देखा। पता नहीं आदमी है या अफवाह, परंतु बहुत से लोगों ने हमसे फरमाया कि उन्हें हैंगडैंग की सुनहरी चमक दिखी है। गुप्तचर ने बादशाह से कहा। क्रोध से औरंगजेब के बड़े बड़े नेत्र लाल हो उठे, उनमें रक्त उतर आया। उसने क्रोध में भर के गुप्तचर से पूछा, अब ये हैंगडैंग क्या है सिपाही? बादशाह, ये एक तलवार यानी कि शमशीर का नाम है। लाचित यही शमशीर लेकर हमारी सेना पर मौत के फरिश्ते की तरह टूट पड़ता है। राजा चक्रध्वज सिंघा ने उसे ये शमशीर तोहफे में दी थी। लाचित आखिर है क्या? आदमजात है या रूह, या इन हिंदुओं के देवता सच में होते हैं जो हाथों में शमशीर लेकर दुश्मनों का कत्ल करते फिरते हैं? औरंगजेब लगातार मिलने वाली पराजय से जल्ला गया था। लाचित कोई देवता नहीं है बादशाह, वो आदमजात ही है। अहोम फौज का सिपे सलार है वो, दूसरे सिपाही ने तपाक से उत्तर दिया। अच्छा, अगर वो आदमजात है तो मरेगा भी, औरंगजेब ने धीरे से बोला। नमस्कार, मैं मितेश गौड़ और मैं आपके सम्मुख उपस्थित हूँ एक महान वीर योद्धा की कहानी के साथ। तो कौन था ये योद्धा जिसने औरंगजेब को इतना व्यथित और भयभीत करके रखा था? उत्तर है लाचित बोरफुकन। हमारे असम के दर्शकों के मुख पर एक नैसर्गिक मुस्कान आ चुकी होगी, परंतु बाकी के दर्शकों में से बहुत कम ही इस नाम से परिचित होंगे। तो आइए आज आपका परिचय करवाते हैं भारत के सबसे महान सेनापतियों में से एक और औरंगजेब के पूर्व दिशा के अभियान को धूल में मिलाने वाले लाचित बोरफुकन से। कहानी आरंभ होती है अहोम वंश में उत्पन्न प्रताप सिंघा नाम के एक यशस्वी राजा से। दूरदर्शी प्रताप सिंघा का राज्य अनेक दूरदर्शी मनुष्यों से भरा हुआ था। उन्हीं में से एक थे सुकुति, जिन्होंने अपने कार्यों के दम पर मोमाई तमुली की उपाधि अर्जित की। वे एक महान योजनाकार थे और एक अद्भुत योद्धा। अहोम वंश के असुरार अली के साथ हुए भिड़ंत में उनका योगदान अप्रतिम था। मुगल उनकी चतुराई और वीरता से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने यह तक कह डाला कि यदि अहोम राजा देवाधिदेव भगवान शंकर है तो तमुली उनका नंदी है, और जब तक ये दोनों एक साथ है यह पराजय है। तो यह स्वाभाविक ही था कि ऐसे विलक्षण व्यक्ति की संतान भी उतनी ही विलक्षण हो। तमुली का पुत्र आगे चलकर शक्तिशाली मुगलों की शक्ति के घमंड को चकनाचूर करने वाला था, और साथ ही भारत के इतिहास के पृष्ठों में प्रमुख वीरों की सूची में अपना नाम अग्रिम पंक्ति में लिखवाने वाला था। लाचित बोरफुकन मानव शास्त्र में दक्ष थे, हिंदू शास्त्रों में विद्वान और एक विलक्षण सेनानायक थे। लाचित कालांतर में सोलाधर बरुआ के पद पर आसीन हुए, फिर अश्वशाला के प्रमुख अधीक्षक और अंततः राजा चक्रध्वज सिंघा के द्वारा अहोम सेना के सेनापति घोषित किए गए। परंतु अहोम राज्य के नक्षत्र संभवतः अशुभ स्थिति में थे। 13वीं सदी से उन पर निरंतर आक्रमण हो रहे थे। उन्होंने 17 बार आक्रमणों का डटकर प्रतिरोध किया, परंतु मीर जुमला के नेतृत्व में उन पर एक ऐसा आक्रमण हुआ जिसे वे रोक ना सके। अहोम सेना को पराजय का मुख देखना पड़ा और उनके ऊपर एक लज्जाजनक संविदा थोप दी गई। अहोम राज्य को क्षतिपूर्ति के रूप में 3,00,000 मुद्राएं देनी पड़ी। गुवाहाटी से लेकर मानस नदी तक का क्षेत्र मुगलों ने कब्जा लिया, परंतु जो सबसे लज्जाजनक बात थी वो यह थी कि 2 अहोम राजकुमारियों को मुगलों के हरम में मुगलों के भोग विलास के लिए भेज दिया गया। कभी समृद्ध और गौरवशाली रहा अहोम साम्राज्य लज्जा के धूल में लौट रहा था। ऐसी विषम परिस्थितियों में एक हर्षप्रद समाचार ने परिवार का आलिंगन किया। माँ कामाख्या के आशीर्वाद और लचित बोरफुकन के नेतृत्व कौशल के परिणाम स्वरूप अहोम सेना ने मुगलों को अपनी भूमि से खदेड़ने में सफलता प्राप्त की। लाचित ने मुगल सेना के नियंत्रक और हजारों मुगल सिपाहियों को बंदी बना लिया। बारगोड़ा का महल और सुरकेश्वर पहाड़ जीते जा चुके थे। गुवाहाटी मुक्त थी और उनके राज्य का पश्चिम भाग अब फिर से उनका था। राजा चक्रध्वज के हर्ष की कोई सीमा न थी। उन्होंने लाचित को राज्य की राजधानी में आने का निमंत्रण दिया ताकि उनका सम्मान किया जा सके, परंतु लाचित ने सविनय उनकी बात टाल दी ताकि मुगलों के प्रत्युत्तर को रोकने की तैयारी की जा सके। लाचित अपने क्षेत्र को सुदृढ़ करने में लगे थे। एक रात के विश्राम के पश्चात सेना पुनः युद्धाभ्यास में लग गई।
राजा चक्रध्वज लचित से बहुत प्रभावित हुए और उन्हें एक अद्भुत तलवार भेंट भिजवाई। इसे ही हैंगडेंग के नाम से जाना गया और इसके वर्णन मात्र से मुगल थर थर कांपते थे। लचित ने मुगलों को अहोम भूमि से खदेड़ने का अति दुष्कर कार्य गुरिल्ला युद्ध नीति और मनोवैज्ञानिक उपक्रमों से सिद्ध किया था। रात के अंधकार में सिंहनाद करती सेना दिन के प्रकाश में शांत खड़ी सेना से ज्यादा भयानक प्रतीत होती है। लचित की सेना ने रात्रिकाल में ही मुगलों पर चहुओं से आक्रमण कर दिया, जिससे शत्रुओं को ऐसा प्रतीत हुआ कि लचित के पास उनके अनुमान से कहीं अधिक सेना है। प्राणों को संकट में देख मुगल अपने तोप छोड़कर भाग खड़े हुए। अहोम सेना में उत्साह की मानो एक नई ऊर्जा का संचार हुआ, पर इन सब से इतर लचित दूर अकेला खड़ा था और आने वाले युद्ध के प्रतिरोध के लिए योजनाएं बना रहा था। वो युद्ध जो विश्व के सबसे महान युद्धों में से एक गिना जाएगा। उसे भलीभांति ये बात पता थी कि लड़ाई उसने अवश्य जीत ली है, परंतु युद्ध अभी भी बचा है। उसे यह भी ज्ञात था कि मुगल अपनी पूरी शक्ति के साथ प्रत्युत्तर देंगे। उसने अपनी सेना को वापस एकत्रित होने का निर्देश दिया और युद्ध के लिए तैयार होने का आदेश भी। लचित और उनकी सेना ने शत्रु को पराजित करने के लिए आश्रय लिया आसाम की पुण्य भूमि का। मुगलों के प्रवेश के मार्ग अवरुद्ध करने के लिए उन्होंने प्रवेश के सारे द्वारों पर तटबंधन कर दिया और साथ ही वहां बड़ी बड़ी दीवारें भी बनवा दी। ऐसी ही एक दीवार के निर्माण का कार्य चल रहा था। दीवार महत्वपूर्ण थी और अवधि कम, इसलिए कार्य पूरी रात चलना था। निर्माण के निरीक्षण का कार्य अपने मामा को सौंप कर लचित दूसरे क्षेत्र का निरीक्षण करने चले गए। जब वे लौटे तो उन्होंने देखा कि कार्य ठप पड़ा है। जब उन्होंने अपने मामा से इसका उत्तर मांगा, उन्होंने बताया कि वे थक कर बेहाल हो गए थे, इसलिए दीवार निर्माण का कार्य स्थगित करना पड़ा। आलस्य और कर्म की उपेक्षा से ओतप्रोत इस कृत्य से लचित क्रोधित हो उठे और उन्होंने अपने ही मामा का सिर धड़ से अलग कर दिया और चीख कर कहा, मेरा मामा मेरे राष्ट्र से बढ़कर नहीं है। सेना को संदेश मिल गया और दीवार उसी रात बनकर तैयार भी हो गई। मुगल सेना ढाका से होते हुए आसाम तक पहुंची। उस सेना में 30,000 अश्वारोही योद्धा, 15,000 धनुर्धर, 18,000 तुर्की घुड़सवार, 5,000 गनर, 1,000 से अधिक तोप, हजारों पैदल सिपाही और नावों की एक विशाल सेना थी। परंतु लचित ने गुवाहाटी में अनाक्रमणीय व्यूह बना रखे थे और उनकी सेना मुगल सेना से भी विशाल प्रतीत हो रही थी। लचित को पता था कि खुले युद्ध क्षेत्र में अहोम सेना मुगलों के आगे टिक नहीं सकती थी। सरायघाट के पास ब्रह्मपुत्र अपने सर्वाधिक संकरे रूप में थी। लचित ने इसे ही युद्ध क्षेत्र के रूप में चुना। लचित की सेना सरायघाट पहुंची और फिर हुआ एक महान और रोमांचकारी संग्राम। दो विशाल सेनाओं के आपस के टकराव से आकाश गुंजायमान हो उठा। मुगलों को यह समझ आते बहुत देर नहीं लगी कि वे लचित के अकाट्य व्यू में फंस गए हैं और यहाँ रहकर वे बस अहोम सेना की तलवारों से ताज़ा सब्जियों की भांति काटे जाएंगे। मुगल सेना के हाथ पांव उखड़ने लगे। अब उन्होंने आश्रय लिया अपने जलपोतों का, जो देखने में तो विशाल थे परंतु थे बहुत निर्बल। मुगलों के पास संख्या बल था और उन्होंने अपना सर्वस्व सरायघाट के युद्ध को जीतने में न्यौछावर कर दिया। उन्होंने और जलपोत भी मंगवाए। निरंतर बढ़ते जलपोतों को देख आसाम की सेना भयाक्रांत हो उठी और लड़ने का साहस हार बैठी। लचित तब तक गंभीर रूप से घायल हो चुके थे और उन्हें एक शिविर में ले जाया जा चुका था। जब उन्हें अहोम सेना के स्वयं पर अविश्वास का समाचार मिला तो वह एक नाव में बैठकर अपने साथ 7 नाव लेकर युद्ध क्षेत्र के तट पर पहुंचे। वहां जाते ही उन्होंने सिंहनाद किया और अपनी सेना को ये शब्द कहे, तुम लोगों को रण छोड़कर पलायन करना है तो निसंदेह करो, परंतु जाके राजा को बोलना कि उनका सेनापति लचित आखिरी श्वास तक और रक्त की आखिरी बूंद तक मुगलों से लड़कर वीरगति को प्राप्त हुआ। लचित के इन वीर वचनों से अहोम सेना में मानो नवजीवन का संचार हुआ और वे सिंह के भांति शत्रुदल पर टूट पड़े। अहोम सेना की छोटी छोटी नौकाएं मुगलों के बड़े बड़े परंतु नियंत्रित करने में कठिन युद्ध पोतों को डुबाने लगी। सरायघाट के उस विकराल युद्ध में मुगल पराजित हो चुके थे। अहोम सेना ने औरंगजेब के मुख पर कालिख
पोत दी थी। लज्जा के मारे सारे मुगल भाग खड़े हुए। इस युद्ध के एक वर्ष के उपरांत लचित बोरफुकन की मृत्यु युद्ध में ही लगे घावों से हुई। इस युद्ध के बाद औरंगजेब ने पलट कर फिर पूर्व की ओर नहीं देखा, क्योंकि कालदंड की तरह भुजाओं में हैंगडेंग धारण करने वाला यमराज सदृश लाचित जो बैठा था और उसके पीछे थी उसकी वीर सेना। लाचित बोरफुकन का शौर्य अपरिमित था। असम का बच्चा बच्चा लाचित की वीर गाथा से परिचित है, परंतु शेष देश में लाचित बोरफुकन लगभग एक अज्ञात नाम है। ये थी कहानी सरायघाट के महान युद्ध की और कहानी अपराजित योद्धा लाचित बोरफुकन की।